वहीं बरेली में रिलायंस पेट्रोल पंप पर ट्रक में डीजल डलवाने के बाद हादसा हो गया। अचानक ट्रक में भयंकर आग लग गई, बाल बाल बचे ड्राइवर और क्लीनर, ट्रक जलकर खाक हुआ है। खरीदपुर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास की घटना। मेरठ के सदर थाना इलाके में धू धू करके जलने लगी कार, कार चालक ने खुद कर बचाई जान, दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिजनौर में किराना स्टोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयंकर आग लग गई, आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। थाना अफजलगढ़ के होली चौक इलाके का ही मामला। कई जगह जल रहा है जंगल, उत्तराखंड में बारिश की वजह से कुछ जगह आग तो बुझी, सबसे ज्यादा वरुणावत पर्वत के जंगलों में नुकसान हुआ है। लखनऊ में तिलक समारोह में शामिल होने पहुंचे लोगों को कार सवार ने रौंद दिया, घायलों में एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। दो गुटों में आपसी विवाद के बाद तेजी से कार लेकर भाग रहा था कार सवार, थाना गोसाईगंज इलाके का मामला। मेरठ के कंकर खेड़ा इलाके में पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या की है, सिर और गले पर चाकू से वार करके महिला को मौत के घाट उतारा है। आरोपी पति ने थाने जाकर पुलिस के सामने सरेंडर भी किया, घर का बंटवारा कराने की वजह से पत्नी से नाराज था। आगरा में स्कूल से बाहर अपहृत छात्रा का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है, पुलिस की पहुंच से दूर छात्रा और एक आरोपी युवक रोहित नाम के युवक पर छात्रा को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप है। पुलिस की कई टीमें छात्रा को ढूंढने में जुटी। फरुखाबाद में चेकिंग के दौरान दो वाहन चोर गिरोह गिरफ्तार, चोरों के पास से 17 बाइक बरामद, एटा बदायूं फरुखाबाद में चोरी की थी ये बाइक। कानपुर में रंगदारी देने से मना करने पर दबंगों ने मचाया उत्पात, गैराज में घुसकर संचालक पर जानलेवा हमला किया है, खुलेआम दबंगई करते हुए गाड़ियां तोड़ते हुए वीडियो में दिख रहे हैं ये बदमाश। वीडियो दिखाने के बाद नौपस्ता पुलिस ने दर्ज नहीं किया मुकदमा। गाजियाबाद के थाना खोड़ा क्षेत्र में 10 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या, फिरौती के लिए मौसेरे भाई पर हत्या का आरोप, पुलिस के मुताबिक 15 लाख की फिरौती की लालच में बच्चे की हत्या की गई है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सहारनपुर के दिल्ली रोड पर कहासुनी को लेकर कुछ लड़कों ने दिन दहाड़े हाई स्कूल के छात्र को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल के नजदीक ही पुलिस ने दो बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ लिया है, दो बाइक पर सवार 4 बदमाश वारदात के बाद फरार हो गए।